सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिराज और आप सभी लोगों का स्वागत है टेक रस यूट्यूब चैनल में। अब गाइस आज तक हम नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है MI न्यूज। तो गाइस यहां पर काफी सारे डेली बेसिस पर Xiaomi की अपडेट आते रहते हैं, तो उसको गाइस हर वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना हम आज से एक नया सीरीज स्टार्ट कर दे जिसका नाम दे MI न्यूज और गाइस पूरे टॉपिक यहां पर कवर कर दे, चाहे वो अपडेट का हो, कोई Xiaomi के नया प्रोडक्ट लॉन्चेस का हो। और गाइस यहां पर कुछ यूजर भी हमको बता रहे थे कि भाई ऐसा कोई सीरीज स्टार्ट करो, तो आप सभी लोगों का क्या राय है और क्या इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करें प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो गाइस यहां पर सबसे पहले बात करते हैं न्यूज नंबर 1 से, जो कि है Redmi Note 8 Pro के लिए। तो गाइस यहां पर Redmi Note 8 Pro में MIUI 12.5 का अपडेट है वो रिलीज हो चुका है। अपडेट है वो स्टेबल का भी है, बट गाइस यहाँ पर हमारे इंडियन रीजन में रिलीज नहीं हुआ है। जो अपडेट है वो गाइस इंडोनेशिया में रिलीज हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ कि जो कोई अपडेट है वो ग्लोबल में इंडोनेशिया में और काफी सारे रीजन में रिलीज हो चुका है, बट हमारे इंडिया में नहीं हुआ है। जो अपडेट की साइज है वो 2.2 GB है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो गाइस अगला जो न्यूज है वो भी Redmi Note 8 Pro और Note 8 यूजर्स के लिए है, क्योंकि गाइस यहाँ पर एक गुड न्यूज है हम दोनों यूजर्स के लिए। गाइस यहाँ पर ट्विटर का एक ट्वीट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑफिशियली अब कंफर्म हो चुका है कि जो इन दोनों डिवाइस है Note 8 और Note 8 Pro उसमें गाइस सितंबर में आपको Android 11 के साथ जो MIUI 12.5 का अपडेट है वो आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर 100% कंफर्म हो चुका है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर सितंबर 2021 में जो अपडेट है MIUI 12.5 as well as Android 11 का वो देखने को मिल सकता है। तो गाइस जो अगला न्यूज आता है वो है MIUI 13। तो जी हाँ गाइस MIUI 12.5 नहीं आया, बट MIUI 13 का कुछ लीक हमारे सामने आ गया। यहाँ पर गाइस MIUI 13 का कौन कौन से सपोर्टेड डिवाइस है उस पर आपको आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा, वो चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पर उसने थोड़ा डिले कर दिया है। गाइस यहाँ पर आप एक कमेंट या पोस्ट रीड कर सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि जो अपडेट है वो आपको एंड ऑफ द ईयर यानी कि 2021 के एंड में चाइना में स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस लेट हो जाएगा हम सभी इंडियन यूजर्स के लिए, हो सकता है आने वाले साल में ही जो अपडेट है वो हम सभी लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो गाइस पोस्ट है वो MI कम्युनिटी चाइना में शेयर किया गया था, बट हमने यहाँ पर ट्रांसलेट करके आप सभी लोगों को बता दिया है। अब साथ ही साथ MIUI 13 की बात ही कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ यूजर ने हमको एक वायरल फोटो सेंड किया कि भाई आप बताओ कि MIUI 13 का ओरिजिनल अपडेट है या नहीं। आप गाइस यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का MIUI 13 का आपके सामने एक अपडेट पैकेज देखने को मिल जाता है। अपडेट की साइज है 21.7.7 और गाइस जो साइज है वो है 5 GB का। अब कौन सा डिवाइस है, कौन सा अपडेट है वो हमको पता नहीं चला है, बट हो सकता है कोई कस्टम रॉम का डिजाइनर ने इसका मॉडिफाई करके इस तरह का यहाँ पर UI डिजाइन है उसको तैयार किया हुआ होगा। तो गाइस आप सभी लोगों को इंतजार है MIUI 13 का या MIUI 12.5 का, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दे। अब जो अगला न्यूज आता है वो है Xiaomi की कुछ सिस्टम ऐप को लेके। तो गाइस यहाँ पर Xiaomi का एक नया अपडेट आया है गैलरी एडिटर एप्लीकेशन को लेके। आपकी जो डिवाइस में गैलरी ऐप है उसमें वीडियो एडिटर और यहाँ पर फोटो एडिटर दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस उसका एक सेपरेशन वर्जन Xiaomi ने तैयार कर दिया है। अब गाइस इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने डिवाइस में फोटो, स्क्रीनशॉट, अपना वीडियो, किसी भी तरह का एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं चाहिए, जैसे कि काइनमास्टर हो गया, पिकशॉट हो गया, सब कुछ गाइस इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। अब यहाँ पर गाइस आप वर्जन स्क्रीन पर देख सकते हैं 0.0.1.3 यानी कि अभी बीटा फेज में है। और गाइस यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट देख लो, अभी फिलहाल Mi 10 के डिवाइस में रन करता है। अब गाइस अगला न्यूज आता है वो है Redmi Note 9 इंडियन यूजर्स के लिए। तो फाइनली गाइस एक और बार यहाँ पर MIUI 12.5 का अपडेट है वो Redmi Note 9 में रिलीज हो चुका है। अगर आपके पास है Redmi Note 9 तो जरूर से जरूर चेकआउट कर लो। अगर आपको अपडेट देखने को नहीं मिला है तो 12.5.1.0 का अपडेट है आपके डिवाइस में करीब 2 GB के आसपास है वो रिलीज हो चुका है। अब अगला न्यूज आता है पोको X3 यूजर्स के लिए। तो गाइस यहाँ पर पोको X3 में 12.0.2.0 का Android 11 के साथ और लेटेस्ट सिक्योरिटी पेच लेवल के साथ एक अपडेट को रिलीज किया गया है। जो गाइस अपडेट है उसकी साइज तो हमको मालूम नहीं चली है, बट तो गाइस इस अपडेट के बाद काफी सारे बग्स भी हमारे सामने आए हैं, जैसे कि गाइस यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला जो एक मेजर बग्स देखने को मिला है वो है घोस्ट स्क्रीन का, यानी कि गाइस यहाँ पर काफी सारे यूजर्स को रिलीज किया गया था तो उसमें गाइस यहाँ पर जो स्क्रीनिंग इश्यू है उसमें कुछ शटर लैग देखने को मिलता था, पूरे FPS देखने को नहीं मिलता था, तो उसका गाइस घोस्ट स्क्रीन का इश्यू देखने को मिला है। इसके बाद एक और मेजर बग्स देखने को मिला है जो कि वो सिस्टम लैग को लेके, और गाइस जो अपडेट में यहाँ पर नोटिफिकेशन बता उसमें कुछ ब्लरिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिला था, तो उसका भी हम डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आई बटन पे जाके चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो गाइस पोको X3 यूजर हो तो थोड़े दिन वेट कर लो, अगर अपडेट नहीं किया है तो वेल एंड गुड, थोड़ा देर वेट कर लो, जब अपडेट फिक्स हो जाएगा उसके बाद ही इंस्टॉल कर लेना।
अब गाइस यहाँ पर पोको F2 Pro इंडोनेशिया यूरोप और गाइस रशियन यूजर्स के लिए भी गुड न्यूज है कि 12.5.2.0 का अपडेट है वहां पर भी रिलीज हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर अपडेट की बातें खत्म हो चुकी है तो Xiaomi ने कुछ नए प्रोडक्ट को रिलीज किए हैं जो कि आने वाले कुछ दिनों में हमको मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पर अगस्त के एंड तक आपको दो Xiaomi के नए प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे जो कि वो है Mi Mix 4 और गाइस Mi Pad 5। तो गाइस ये दोनों डिवाइस का Xiaomi ने जिक्र किया है कि हो सकता है अगस्त एंड के आसपास आप सभी लोगों को ग्लोबल में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद गाइस एक और प्रोडक्ट हमारे सामने आ चुका है जो कि वो है Redmi iBook। गाइस ये मैकबुक का कॉपी ही बोल लो क्योंकि iBook मैकबुक सब दोनों भाई भाई ही है। तो गाइस यहाँ पर Redmi Book आ चुका है। तो यहाँ पर बात करें उसके स्पेसिफिकेशन की तो गाइस आपको यहाँ पर Intel Iris का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है, 15.6 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाता है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर 8GB का रैम और 500GB का NVMe SSD भी देखने को मिल जाती है। तो गाइस इस Redmi iBook का फर्स्ट सेल है आपको 6 अगस्त को Flipkart पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो उसको परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस उसकी मैं प्राइस बता दूं तो आपको गाइस Redmi iBook Pro का प्राइस करीब 50,000 के आसपास मिल जाएगा और गाइस उसका जो इफेक्टिव प्राइस यानी कि फर्स्ट सेल का प्राइस आपको मिलेगा 46,500 रुपीस। तो यानी कि गाइस आपको 3,000 का आपको एक्स्ट्रा फायदा हो सकता है अगर आप सोच रहे कोई एप्पल का छोटा सा प्रोडक्ट Xiaomi का प्रोडक्ट ले ले तो इसको जरूर टेस्ट कर सकते हैं। तो फाइनल गाइस यहाँ पर हमारा आज का मी न्यूज 1 कंप्लीट होता है। तो गाइस इस वीडियो में क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए प्लीज मुझे वो भी कमेंट में बता देना। साथ ही साथ गाइस इस न्यूज में क्या आपको अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, क्या बुरा लगा, क्या वेल एंड गुड लगा, सब कुछ कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस एक छोटा सा सवाल कि हर वीडियो में ट्राई करेंगे कोई ना कोई सवाल आपको पूछेंगे तो उसको आपको गाइस आंसर करना है, तो अगर आपको पता है तो जरूर कर देना। तो आज का जो हमारा सवाल है कि पोको सीरीज का कौन सा फोन है वो फर्स्ट इंडिया में लॉन्च हुआ था, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और बताना कि हमने वीडियो लास्ट तक जरूर देखा था। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अमेजिंग MI न्यूज देखने के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।